नमस्कार प्रिय मित्रों, फिर एक बार बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके और हमारे प्यारे से चैनल DSR जोन में। मित्रों, आज हम आपको दो लौंगों से होने वाले एक बहुत ही शक्तिशाली उपाय एवं टोटके के बारे में बताएंगे, जिसके माध्यम से, जिसके द्वारा आप अपने किसी भी शत्रु को, उसके जीवन को, उसकी ज़िंदगी को तहस नहस कर सकते हैं, बहुत ख़राब कर सकते हैं। ऐसे हालात पर आपका शत्रु मित्रों पहुंच जाएगा कि वो हर तरीके से बर्बाद हो जाएगा और तबाह हो जाएगा, उसके सोचने तक की क्षमता क्षीण हो जाएगी, बिल्कुल कम हो जाएगी। जो भी कार्य वो करेगा उसके गलत परिणाम आएंगे और उसकी जो भी ख्याति है वो पूरी खराब हो जाएगी। मित्रों, ऐसे बहुत ही शक्तिशाली उपाय को करने के लिए आपने कोई दिन निश्चित कर लेना है। किसी भी दिन सप्ताह में आप इसे कर सकते हैं, किसी भी समय कर सकते हैं। मित्रों, ध्यान रहे, जो लौंग आप इस्तेमाल में लेंगे बिल्कुल साबुत हों, खंडित ना हों, टूटी हुई ना हो। उपाय को पूरे ध्यानपूर्वक अंत तक सुने व समझें मित्रों, वीडियो को स्किप ना करें। यदि आपका कोई ऐसा शत्रु है तो आप इस उपाय, इस टोटके के माध्यम से अपने इस कार्य को पूर्ण कर सकते हैं और अपने शत्रु पर हावी हो सकते हैं। क्या करना है मित्रों, दो लौंग जैसा कि बताया गया है आप साबुत लौंग ले लें। जिस दिन भी आप इसे करें, स्नान आदि कर लें। यदि किसी कारणवश आप स्नान नहीं कर सकते तो अपने हाथ मुंह पैर अच्छे से धो लें और उसके बाद मित्रों आप एक आसन लगाकर उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठ जाएं। पालती मारकर बैठें, पलाश मारकर बैठें मित्रों, और अपने सामने एक सरसों के तेल का या तिल के तेल का दीपक अवश्य जला लें। दीपक अपने सामने की ओर बाएं हाथ की तरफ जलाएं, यानी अपने बिल्कुल सामने हल्का सा बाएं ओर जलाएं। अब मित्रों आपने क्या करना है, दोनों लौंग अपने एक सीधे हाथ में और एक उल्टे हाथ में, यानी राइट और लेफ्ट दोनों हाथों में आप एक एक लौंग रख लें। और उसके बाद मित्रों आपने क्या करना है, जो बाएं हाथ की लौंग है पहले उसे आपने अपने दाएं कंधे पर छुलाना है, यानी मुट्ठी बनाकर आप दाएं कंधे पर लगा लें और एक मंत्र का आप 3 बार उच्चारण करें। मंत्र इस प्रकार है मित्रों, हीम लवंग शत्रुये नामम क्रीं क्रीं फट स्वाहा। मित्रों, नामम के स्थान पर आपने अपने शत्रु का नाम लेना है, इस बात का विशेष ध्यान रखें। मुख्य नाम लें, प्रमुख नाम लें, जिस नाम से उसे पुकारा जाता है, बुलाया जाता है। अब आप मित्रों क्या करें, उस लौंग को आप दिए में छोड़ दें, जो जलता हुआ दीपक है उस दिए में छोड़ दें। और जो दूसरी लौंग है मित्रों, जो दूसरी लौंग है दाएं हाथ वाली, उसे आप अपने बाएं हाथ से चला लें, यानी दाएं हाथ की मुट्ठी आप बंद करें लौंग की और उसको आप अपने बाएं कंधे पे लगा लें। और अब यही मंत्र 3 बार आप फिर से उच्चारित करें, यानी फिर से बोलें और नामम के स्थान पर अपने शत्रु का नाम लें। और इस लौंग को मित्रों आपने उसी दीपक से जला देना है, यानी आपने इसको उस आग से जो दीपक में जल रही है उससे ध्यानपूर्वक, आप किसी कागज़ को भी इस्तेमाल ले सकते हैं, उसके अंदर रख कर भी इसे उस दीपक से जला सकते हैं। जब यह लौंग जल जाए मित्रों तो इसकी राख आप लेकर घर से बाहर कहीं भी छोड़ दें और जो लौंग दीपक के अंदर है उस दीपक को आप घर के पास कहीं गमले में अंदर बाहर या किसी पेड़ के जड़ पर आप रख दें या किसी खाली स्थान पर किसी दीवार आदि के सहारे छोड़ दें। इतना कार्य मित्रों आप कर लेंगे, आपका यह कार्य संपन्न हो जाएगा और आप अपने शत्रु पर हावी हो जाएंगे, उस पर आप विजय प्राप्त कर लेंगे।
और आपकी सभी समस्याएं जो आपके शत्रु ने आपके लिए किसी भी तरीके से, किसी भी जरिए से, कैसा भी शत्रु हो, स्त्री पुरुष और किसी भी तरीके का शत्रु हो, वह आपसे सब समस्याएं ख़त्म हो जाएंगी और आप निजात पालेंगे अपने उस शत्रु से, अपने उस दुश्मन से। जाते जाते मित्रों, हर बार की तरह फिर यही अनुरोध करना चाहेंगे कि यदि आपने अभी तक हमारा यह चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। आगे आने वाली सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन यानी घंटे वाला बटन अवश्य दबा दें। वीडियो यदि पसंद आई हो तो लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें। अब लेते हैं इजाज़त मित्रों, अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी एक बहुत ही सरल परंतु शक्तिशाली उपाय के साथ। अपना ख्याल रखें, खुश रहें। नमस्कार।